और चलिए बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है, आरजेडी का आज चुनावी घोषणा पत्र जारी किया गया है। राष्ट्रीय जनता दल का ये घोषणा पत्र जिसमें वादा किया गया है 15 अगस्त से बेरोजगारी से आजादी मिलेगी, 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी, गरीब परिवार की 1 महिला को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। ये तमाम वादे किए गए हैं आरजेडी के इस घोषणा पत्र में और इसमें कई तरह के वादे किए गए हैं। युवाओं से जुड़ा बेरोजगारी का मुद्दा यहां पर, इसको लेकर भी टारगेट सेट किया गया है, 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी। जनमत, जनता अगर हमको ताकत देती है, अगर हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। 1 करोड़ नौकरी पूरे देश में, 30 लाख नौकरियां जो है रिक्त पड़ी है, उसको तो भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन 70 लाख नौकरी का जो है पदों का हम लोग सृजन करेंगे। गरीब परिवार की बहनों को हम लोग प्रत्येक 1 वर्ष में 1 लाख रुपए का सहायता हम लोग देने का काम करेंगे। जो रक्षाबंधन आएगा उसी दिन से हमारी बहनों को जो गरीब परिवार में है, हर एक साल 1 लाख रुपए का हम लोग जो है सहायता देंगे। और देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है आरजेडी के मैनिफेस्टो पर, अब सियासत गरमाती नजर आ रही है। लालू ने भ्रष्टाचार का रोड मैप बनाया, ये बात कही सम्राट चौधरी ने। डबल इंजन की सरकार से ही बिहार का विकास होगा, चिराग पासवान ने भी निशाना साधा। साथ ही जेडीयू की तरफ से भी बयान आया, आरजेडी का अहंकार चरम सीमा पर है। तो आज ही आरजेडी ने मैनिफेस्टो जारी किया और देखिए किस तरह से सियासी वार इस मैनिफेस्टो को लेकर किया जा रहा है, सुनिए। लालू प्रसाद जी के परिवार ने ये नहीं बताया कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने के नाम पर जमीन कितना लेंगे, जमीन लेने की तैयारी है। लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार कर सकता है और भ्रष्टाचार के लिए एक पूरी तरह रोड मैप बनाया है कि 1 करोड़ नौजवानों को सपना दिखाकर उनके जमीनों को कैसे लिखवाना। अगर 1 करोड़ लोगों को नौकरी दे सकते तो एक लंबे समय तक इन्हीं के परिवार के लोग बिहार की सत्ता में रहे और उस वक्त कैसे नौकरियां बांटी गईं ये हम में से किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। चुनावी समय में वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, बातें बड़ी बड़ी कही जाती हैं, पर हकीकत जब खुद सत्ता में आते हैं तो उसके बाद पता चलता है, फिर बहाने बनाए जाते हैं। कसौटियों पर अगर बिहार को कसा जाएगा तो बिहार तो देश में रोल मॉडल है। आप 1 लाख रुपया कह रहे हैं, हम लोगों ने तो जाति गणना कराकर हर भूमिहीन परिवार को, गरीब परिवार को 2 लाख रुपया व्यवसाय के लिए हम लोगों ने कार्य योजना बना दिया। इसका क्या औचित्य है? 50 लाख रुपया तो हम देते हैं, सॉरी 50,000 बेटी जब स्नातक पास करती है तब 4 लाख स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, 1 लाख रक्षाबंधन के दिन और बहन के राखी की भी रक्षा माननीय नीतीश कुमार जी के। तो आरजेडी के मैनिफेस्टो पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी, उन्होंने भी हमला बोला। जीतनराम मांझी ने आरजेडी पर वार करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पोस्ट पर भी लिखा, आरजेडी के घोषणा पत्र में शायद कुछ बातें छूट गई हैं जो निम्नलिखित हैं। जीतनराम मांझी लिख रहे हैं, भारत में अमेरिका का विलय करेंगे, सूरज पश्चिम से उगेगा, समुद्र के पानी को मीठा बना देंगे, पहाड़ हवा में उड़ेगा। अब जब तेजस्वी यादव जी को पता है कि उनकी सरकार बन ही नहीं रही तो वो कुछ भी घोषणा कर सकते हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर जीतनराम मांझी आरजेडी के घोषणा पत्र पर वार करते नजर आए, बकायदा एक्स पर पोस्ट किया और साफ तौर पर कहा कि आरजेडी को पता है वो सत्ता में नहीं आने वाले, इसीलिए कुछ भी घोषणा कर रहे हैं।